आज सुबह यानी सोमवार 8 जनवरी को मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया है। हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे, जहां मीटिंग हुई है। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि मीटिंग में क्या हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांची, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। दरअसल ये पूरा मामला मालदीव और भारत के बीच आई खटास को लेकर है। इसको लेकर मालदीव्स की सरकार ने अपने 3 मिनिस्टर्स मरियम शियोना मालशा और हसन जिहान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद निलंबित भी कर दिया है। ये टिप्पणी प्रधानमंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की फोटोज और वीडियो शेयर करने के बाद की गई थी। मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने इसकी जानकारी दी है। ये सारे कदम सोशल मीडिया पर इन मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कल लगातार बॉयकॉट मालदीव्स हैशटैग चलता रहा। लोग मालदीव्स की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही कई बॉलीवुड एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, वरुण धवन और कई क्रिकेटर्स जैसे सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या भी लक्षद्वीप की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं और यहाँ घूमने के प्लान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल हैशटैग एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड भी दिन भर ट्रेंड करता रहा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप वाला वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने शेयर किया और लिखा कि ये बढ़िया कदम है, ये मालदीव की नई सरकार के लिए एक बड़ा झटका है जो चीन की कठपुतली है। इस दौरे के बाद लक्षद्वीप में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके जवाब में, इस ट्वीट के जवाब में मालदीव के एक नेता जाहिद रमीज ने लिखा कि बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएगा जितना हम रखते हैं? उनके कमरों में आने वाली बदबू टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। वहीं मंत्री मरियम शियोना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल का पपेट तक कह दिया। मरियम यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट की डिप्यूटी मिनिस्टर थी, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले पर मालदीव सरकार ने अपना बयान दिया है। बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर विदेशी नेताओं और अहम लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों पर मालदीव सरकार की नज़र है और ये कमेंट पूरे तरीके से पर्सनल है, मालदीव सरकार का नज़रिया नहीं है। इसके साथ ही शियोना की इस पोस्ट पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा, शियोना ने गलत शब्द कहे हैं, ये बात मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि को खतरे में डाल सकती है। आपको बता दें कि 2013 से 2023 तक मालदीव घूमने जाने वाले भारतीयों में काफ़ी इजाफा हुआ है। दैनिक भास्कर में छपे एक डेटा के मुताबिक 2018 में मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या 90,474 थी, जो 2023 आते आते 2,00,000 के करीब पहुंच गई। हालांकि पूरे मामले के बाद मालदीव की टूरिज्म इकोनॉमी पर अब खासा असर पड़ेगा। भारतीयों ने अपने मालदीव्स के टिकट कैंसिल करा दिए हैं। इसके साथ ही ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग भी सस्पेंड कर दी हैं। रविवार देर रात ईज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता संभालने के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्ते सही नहीं रहे हैं। ये चीन के समर्थक माने जाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने इंडिया आउट का नारा भी दिया था और भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर करने की बात भी इन्होंने कही थी, जिसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए थे। ये था आज का हमारा वीडियो। इसके अलावा लक्षद्वीप पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह के अन्य कंटेंट और जानकारी के लिए, स्टोरीज़ के लिए भी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।